हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अक्टूबर मंथ की संपूर्ण करंट अफेयर का। तो अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर का इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें टॉप 100 प्लस क्वेश्चन है इसमें करंट अफेयर के। तो अक्टूबर मंथ की संपूर्ण करंट अफेयर का इसमें रिवीजन किया गया है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो इसमें अक्टूबर मंथ के सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन रिवाइज किए गए हैं और इन क्वेश्चंस की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इन क्वेश्चंस की PDF फाइल। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपने डेली करंट अफेयर के सारे वीडियो देखे होंगे तो ये क्वेश्चंस आपको आते होंगे पहले से ही। तो अक्टूबर मंथ के सारे करंट अफेयर का एक तरह से रिविजन करेंगे शॉर्ट में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा ज़्यादा डिटेल में आंसर देने से। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसमें अक्टूबर मंथ के सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, शॉर्ट में रिविजन करेंगे एक तरह से। अगर डिटेल में आंसर देखना है तो पिछले अक्टूबर मंथ के सारे और भी वीडियो डाले गए हैं डेली करंट अफेयर के, तो उनको जरूर देख ले डेली करंट अफेयर के। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है तपन कुमार मिश्रा को। ऑप्शन सी करेक्ट है, तपन कुमार मिश्रा, ये उड़ीसा के हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो एक तरह से हम इसमें शॉर्ट रिविजन करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोबाइल हॉस्पिटल का उद्घाटन किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो ये क्या है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोबाइल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में मीडिया में भारत की सबसे शक्तिशाली महिला अवार्ड है, यहाँ पे अवार्ड है, तो मीडिया में भारत की सबसे शक्तिशाली महिला अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है केली पुरी को। ऑप्शन सी करेक्ट है, यह इंडिया टुडे ग्रुप की उपाध्यक्ष है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस वीडियो में हम शॉर्ट में रिवीजन करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहा है केरल, और सबसे लास्ट में रहा है इसमें उत्तर प्रदेश। तो पहले पे केरल और सबके लास्ट में उत्तर प्रदेश, और बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ है पहले नंबर पे, और यह सूचकांक जारी किया है नीति आयोग ने, और नीति आयोग के बारे में कई बार बता दिया है मैंने डेली करंट अफेयर वाले वीडियो में जब भी नीति आयोग का नाम आया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूसी ग्रैंड प्रिक्स खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीता है रूसी ग्रैंड प्रिक्स, यह जीता है लुइस हैमिल्टन ने। ऑप्शन बी करेक्ट है, तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है, ये मर्सिडीज के ड्राइवर है, तो इन्होंने जीता है रूसी ग्रैंड प्रिक्स खिताब। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, तो इनकी कंपनी याद रखना है मर्सिडीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और जितने भी जो 2019 में जितने भी ग्रैंड प्री हुई है उनका अलग से वीडियो है, तो उस वीडियो को जरूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में कार्यालय खोलने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बना है? तो ये बना है SBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑस्ट्रेलिया के जो विक्टोरिया है उसके मेलबोर्न में खोला है ये कार्यालय SBI बैंक ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में PIB के प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने KS दत्तवालिया, PIB यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में प्लांट ऑफ प्लास्टिक अभियान शुरू किया है? तो ये क्या है, असम राज्य में, तो असम राज्य में यह शुरू किया है अभियान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत के सबसे बड़े चरखे का उद्घाटन कहां किया गया है? तो यह उद्घाटन किया गया है नोएडा में। ऑप्शन बी करेक्ट है, नोएडा में, और इसका उद्घाटन किया है स्मृति ईरानी ने, तो वर्तमान में कपड़ा मंत्री है, और यह प्लास्टिक से बनाए गए हैं यह चरखा, भारत का सबसे बड़ा है नोएडा में, तो इसका उद्घाटन स्मृति ईरानी ने किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत का पूरी तरह विद्युतीकृत राज्य कौन बना है? तो ये बना है तेलंगाना। ऑप्शन सी करेक्ट है। हाल ही में पान मसाला की श्रेणियों पर प्रतिबंध लगाने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है राजस्थान, बना है तीसरा राज्य, और पहला बना था महाराष्ट्र, दूसरा बिहार, और तीसरा राजस्थान बन गए हैं जिसने पान मसाला की श्रेणियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DF-41 मिसाइल का अनावरण किस देश ने किया है? तो ये क्या है,
चाइना ने इसका अनावरण किया है। तो यहाँ पे मिस प्रिंट है इसमें ऑप्शन में, तो यहाँ पे ऑप्शन चाइना सही है इसका, ध्यान रखना है यहाँ पे ऑप्शन में डला नहीं है, तो इसका आंसर है चाइना। तो चाइना ने DF-41 मिसाइल का अनावरण किया है, और DF के फुल फॉर्म है Dongpeng-41, और ये अब तक की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली ये मिसाइल है। इसकी रेंज है 15,000 किलोमीटर, यह चीन से अमेरिका तक पहुंचने में मात्र 30 मिनट लेगी, चाइना से अमेरिका के बीच की डिस्टेंस कवर करने में। तो यह अब तक की सबसे बड़ी रेंज वाली मिसाइल है DF-41, और इसका अनावरण किया है चाइना ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में स्वच्छता अम्बेसडर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह सम्मानित किया गया है सचिन तेंदुलकर को, और रामनाथ कोविंद जो कि राष्ट्रपति है उन्होंने इसको सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कार्यकारी निदेशक कौन बने, तो ये बने सुरजीत भल्ला, ऑप्शन सी करेक्ट है, और डॉक्टर सुबीर गोकरण का ये स्थान लेंगे, इनसे पहले ये थे तो ये रिटायर्ड हो गए थे तो इनका स्थान रिक्त था। तो सुरजीत भल्ला बने IMF के कार्यकारी निदेशक यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऊर्जागिरी अभियान शुरू किया है, तो ये शुरू किए हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो इन्होंने इसको शुरुआत की है ऊर्जागिरी अभियान की, तो ये उत्तराखंड में बिजली की चोरी को रोकने के लिए ये अभियान है ऊर्जागिरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली निजी ट्रेन तेजस का शुभारंभ कहाँ से किया गया है, तो ये भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन है तेजस, इसका नाम ध्यान रखना है, और इसका शुभारंभ किया गया है लखनऊ में, ऑप्शन ए करेक्ट है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये दिवस वाला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन है यह विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया है, तो यह विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया है 5 अक्टूबर को, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अब इसमें अक्टूबर मंथ के सारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो अक्टूबर मंथ के सारे दिवस इसमें कवर कराएंगे। तो 1 अक्टूबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय वरद दिवस, 4 अक्टूबर को मनाया गया था विश्व पशु दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व पोस्ट दिवस, विश्व डाक दिवस, और 11 अक्टूबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, और जो बाकी दिवस बचे हैं उनको अगले क्वेश्चंस में कवर करेंगे। अगर आप डेली करंट अफेयर का वीडियो देखे होंगे इस चैनल पर, तो ये दिवस वाले सारे दिवस याद होंगे अक्टूबर मंथ के, क्योंकि उस वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन डिटेल के साथ बताता हूँ और रिवाइज भी कराता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह विश्व शिक्षक दिवस है, उसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को 5 सितंबर को हर साल, तो ये विश्व शिक्षक दिवस यानी वर्ल्ड टीचर्स डे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त अभ्यास नोमेडिक एलिफेंट 2019 भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ है, तो ये हुआ है भारत और मंगोलिया के बीच में, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो ये अभ्यास का नाम याद रखना है नोमेडिक एलिफेंट 2019, तो ये भारत और मंगोलिया के बीच में, और जितने भी जो अभ्यास है उनका अलग से वीडियो है तो उसको जरूर देख लें, सारे देशों के बीच जो भी अभ्यास होते हैं उनका अलग से वीडियो है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित नॉनसेन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो ये सम्मानित किया जाएगा अजीज बेग आसुरोव को, तो ये किर्गिस्तान के प्रसिद्ध मानवाधिकार के वकील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट कहां शुरू हुआ है, तो ये शुरू हुआ है मुंबई में, ऑप्शन डी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंद्रजीत मोहंती को किस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं इंद्रजीत मोहंती। इसके अलावा पहले एस रविंद्र भट्ट थे राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, लेकिन वो अब सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हो गए हैं, इन 4 राज्यों के अभी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हो गए हैं नए, इसलिए अभी नए बने इनके न्यायाधीश, 7 राज्यों के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने अभी राजस्थान के, तो यही बने इंद्रजीत मोहंती। उसके अलावा पंजाब हरियाणा के बने रविशंकर झा, और हिमाचल प्रदेश के बने लिंगप्पा नारायण स्वामी, उसके अलावा केरल के बने एस मानी कुमार, जेके माहेश्वरी बने आंध्र प्रदेश के, अजय लांबा बने गुवाहाटी के, अरूप के गोस्वामी बने सिक्किम के, और राजस्थान के यही इंद्रजीत मोहंती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये सारे अगर आपने डेली करंट अफेयर का वीडियो देखा होगा तो उसमें दे रखा है ये सभी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त अभ्यास एक यू वेरिन भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाएगा, तो यह आयोजित किया जाएगा भारत और
मालदीव के बीच में है, या ब्यास, एक यू वेरिन, तो नाम याद रखना है अभ्यास का, और किन किन देशों के बीच में होता है, तो ये भारत और मालदीव के बीच में। और अभी जो लास्ट क्वेश्चन बताया, तो जो किसी भी राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश बनता है उच्च न्यायालय का, उसे शपथ दिलाते हैं उस राज्य के राज्यपाल, जैसे राजस्थान के इंद्रजीत मोहंती बने तो उनको शपथ दिलाई है, राजस्थान के राज्यपाल अभी नए बन गए कलराज मिश्र, तो इन्होंने इनको शपथ दिलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्लास्टिक से डीजल रूपांतरण के पहले संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है मथुरा में, और मथुरा के सांसद है हेमा मालिनी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोफेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है बेन स्टोक को, ऑप्शन बी करेक्ट है, ये इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी है। उसके अलावा टॉम बेटन, इनको यंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है, और सोफी एक्लेस्टोन को चुना गया है वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर, ऑफ द ईयर अवार्ड, समर अवार्ड है यहाँ पे, ये जीता है सोफी एक्लेस्टोन को, और बेन स्टोक ने जीता है प्रोफेशनल क्रिकेट एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेप्सी कंपनी के ब्रांड लेस का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है रणवीर कपूर और आलिया भट्ट को, ऑप्शन सी करेक्ट है, तो ये दोनों आंसर सही है। और जितने भी जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनका अलग से वीडियो है, तो उस वीडियो को भी जरूर देख लें, 2019 के सारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में चाइना ओपन खिताब किसने जीता है, तो ये खिताब जीता है अभी नाओमी ओसाका ने, ऑप्शन ए करेक्ट है, नाओमी ओसाका, तो ये जापान की प्लेयर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में जापान ओपन खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने, तो ये सर्बिया के प्लेयर है टेनिस प्लेयर, तो इन्होंने जीता है जापान ओपन का खिताब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारतीय सेना का अब तक का सबसे बड़ा पर्वतीय अभ्यास हिम विजय कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये आयोजित किया जाएगा अभी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन ए करेक्ट है, तो ये भारतीय सेना का अब तक का सबसे बड़ा पर्वतीय अभ्यास है, और ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया जाएगा हिम विजय, और ये भारत और चीन के बीच में ये अभ्यास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में स्वदेशी लोगों के लिए यूनेस्को सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है यालितजा अप्रेसियो को, यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 150 ईयर्स ऑफ द सेलिब्रेटिंग द महात्मा द साउथ अफ्रीकन लीगेसी नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसके लेखक कौन है, तो यह पुस्तक का नाम याद रखना है, और इसके लेखक है फकीर हसन, ऑप्शन डी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक तरह से इस वीडियो में हम शॉर्ट में रिविजन करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा इससे, तो शॉर्ट में रिविजन है, और इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है। हाल ही में जारी आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में कौन से इस पर रही हैं, तो इसमें सिर्फ पे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया रही है पहले नंबर पे, भारत रहा है इसमें दूसरे पे, तीसरे पे रहा है इंग्लैंड, तो ये आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग है, आईसीसी महिला एक दिवसीय रैंकिंग में, तो ऑस्ट्रेलिया पहले पे, भारत दूसरे पे, इंग्लैंड तीसरे पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया पर्यावरण परिवर्तन, यहाँ पे परिवर्तन है, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ये एशिया परिवर्तन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है रमेश पांडे को, ऑप्शन डी करेक्ट है, तो ये थोड़ा सा माइनर सा टाइपिंग में मिस्टेक आ जाती है, तो एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से के लिए किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है रमेश पांडे को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये IFS अधिकारी है रमेश पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हीरो महिला इंडिया ओपन खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है क्रिस्टिन वोल्फ, या ऑस्ट्रिया की प्लेयर है, और ये हीरो महिला इंडिया ओपन खिताब हुआ है हरियाणा के गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चिकित्सा का नोबेल 2019 किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है अभी तीनों को, विलियम केलिन, सर पीटर रेडक्लिफ, ग्रेग सेमंजा, ऑप्शन डी करेक्ट है इसका, तो इनमें से ये बीच वाले तो ब्रिटिश के हैं, ब्रिटेन के हैं ये, और ये दोनों अमेरिका के हैं, तो इन तीनों को दिया गया है चिकित्सा का नोबेल प्राइज 2019, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई थी 1901 में, जब शुरुआत हुई थी तब ये पांच क्षेत्रों में दिया जाता था, उसके बाद 1969 में अर्थशास्त्र में भी नोबेल प्राइज दिया जाने लगा, तो छः क्षेत्रों में दिया जाने लगा है ये नोबेल प्राइज, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, शांति, साहित्य, तो ये चिकित्सा का दिया गया है इस बार का, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनों का नाम याद रखना है, तो ये अल्फ्रेड नोबेल तो इनके नाम पे दिया जाता है ये अवार्ड, ध्यान रखना है।
तो ये दिए गए हैं, चिकित्सा का और भी दिए गए हैं, उनको बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत रहा है 68वें स्थान पर, और पहले पे सिंगापुर रहा है पहले पे, और भारत है 68वें स्थान पर। और ये जारी किसने किया है? WEF ने जारी किया है, WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में रसायन का नोबेल पुरस्कार 2019 किसे दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं जॉन बी गुडेनप, एम स्टैनली विहिंटिंगम, और यहाँ पे विहिंटिंगम है ये, और अकीरा योशिनो। ऑप्शन डी करेक्ट है इसका, तो अकीरा योशिनो, एम स्टैनली विहिंटिंगम, जॉन बी गुडेनप, तीन तीनों को दिया गया है रसायन का नोबेल प्राइज 2019। ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में 15वां विश्व जिम्नास्टिक खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है सिमोन बाइल्स ने, और ये जर्मनी के स्टटगार्ड में हुआ है ये 15वां जिम्नास्टिक खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला गार्बेज कैफे कहां शुरू हुआ है? तो ये हुआ है छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में। ऑप्शन ए करेक्ट है, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में ये शुरू हुआ है गार्बेज कैफे भारत का। इसमें क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति एक किलोग्राम कचरा लाके इस कैफे में जमा करता है, गार्बेज कैफे में, तो उसे एक टाइम का खाना दिया जाएगा। अगर वो आधा किलो कचरा जमा करता है तो उसे नाश्ता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फरिश्ते दिल के योजना किस राज्य सरकार ने की है? तो ये किए हैं दिल्ली गवर्नमेंट ने, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने इसको शुरुआत की है इसकी। अब इसमें क्या होगा, अगर किसी व्यक्ति का अगर रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो जो व्यक्ति उसे बचाता है हॉस्पिटल तक ले जाता है तो उसे प्रोत्साहित करेगी दिल्ली गवर्नमेंट, और वहाँ से हॉस्पिटल तक ले जाने का जितना भी खर्चा है वो दिल्ली गवर्नमेंट वहन करेगी। तो ये योजना है फरिश्ते दिल के दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुस्लिम मैन ऑफ द ईयर 2020 किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है इमरान खान को, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इन्हीं को मुस्लिम मैन ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है अबी अहमद अली, ये इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं, तो इन्हीं को शांति की वजह से दिया गया है अबी अहमद अली को नोबेल शांति पुरस्कार 2019। तो अलग अलग फील्डों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, सभी फील्डों के बता दिए हैं पहले। अब ये इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं, इथोपिया का एक पड़ोसी देश था इरिट्रिया, तो इन दोनों के बीच में लंबे समय से संघर्ष चला रहा था, उसको खत्म किया था इन्होंने, इसी वजह से इनको ये दिया गया है अबी अहमद अली को, तो इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं ये, तो इनको शांति पुरस्कार दिया गया है नोबेल 2019 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2019 किसे दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं पीटर हैंडकी को, ये ऑस्ट्रेलिया के एक लेखक है पीटर हैंडकी, तो इनको साहित्य में नोबेल प्राइज 2019 दिया गया है, और नोबेल प्राइज 2018 का भी दिया गया है इस बार, क्योंकि 2018 में साहित्य में नोबेल नहीं दिया गया था, इस वजह से 2018 का दिया गया है ओल्गा टोकारजुक को, तो इनको 2018 का दिया गया है साहित्य में, और पीटर हैंडकी को 2019 में साहित्य का नोबेल दिया गया है, तो दोनों सालों के दिए गए हैं इस बार। तो ओल्गा टोकारजुक इनको मैन बुकर प्राइज भी मिला था 2018 का, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज भी मिला था इनको ओल्गा टोकारजुक को 2018 का। तो इनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2018 दिए गए हैं, पीटर हैंडकी को साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2019 दिए गए हैं, तो दोनों का कन्फ्यूज नहीं होना है, 2019 को पीटर हैंडकी, ओल्गा टोकारजुक को 2018 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी द फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2019 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो इसमें शीर्ष पर रहे मुकेश अंबानी, ऑप्शन बी करेक्ट है, लगातार 12 सालों से मुकेश अंबानी है शीर्ष पे, पहले पे मुकेश अंबानी, दूसरे पे हैं हिंदुजा, दूसरे पे हैं गौतम अडानी, तीसरे पे हैं हिंदुजा ब्रदर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खेल के सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मान द डॉन से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है एसले बार्टी को, तो ये ऑस्ट्रेलिया के टेनिस प्लेयर है एसले बार्टी, इसको ही दिया गया है ये अवार्ड द डॉन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को 3500 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है? तो ये किए राजस्थान गवर्नमेंट ने, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में 2 घंटे की मैराथन दौड़ने वाले पहले एथलीट कौन बने? तो ये बने एलियुड किपचोगे, ये केन्या के धावक है
तो इन्होंने 2 घंटे की मैराथन दौड़ी है, तो ये पहले व्यक्ति बने 2 घंटे की मैराथन दौड़ने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज 2019 किसे दिए गए हैं? ये दिए गए हैं इन तीनों को, माइकल केमर, एस्तर डुप्लो, अभिजीत बैनर्जी। इनमें अभिजीत यहाँ पे ऑप्शन इसमें उपयुक्त सभी आएगा, तो इन तीनों को दिया गया है ये अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज, माइकल केमर, एस्तर डुप्लो, अभिजीत बैनर्जी। तो ये तीनों को दिया जाएगा, दिया गया है ये अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज। इसके अलावा अभिजीत बैनर्जी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं, भारतीय मूल के हैं अभिजीत बैनर्जी, तो इनको दिया गया है ये अवार्ड। और अर्थशास्त्र में 1969 से स्टार्ट हुआ था नोबेल प्राइज, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंदिरा गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित किया जाएगा भी चंडी प्रसाद भट्ट को, तो इनको 31वां इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया जाएगा। और इनको 1982 में रेमन मैक्सेसे पुरस्कार भी मिला था, और इस बार रेमन मैक्सेसे पुरस्कार दिया गया है रवीश भट्ट को। तो ये चिपको आंदोलन के प्रेरणाता थे चंडी प्रसाद भट्ट, 1970 में हुआ था चिपको आंदोलन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाल ही में BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, तो BCCI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सौरव गांगुली को, ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके अलावा जैसा, ये अमित शाह के बेटे हैं, जैसा गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके बेटे हैं जैसा, इनको सेक्रेटरी बनाए गए हैं BCCI का, जैसा को, और सौरव गांगुली को बनाए गए हैं अध्यक्ष BCCI का नया अध्यक्ष, तो ये ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले विश्व नेता कौन बने? तो ये बने नरेंद्र मोदी, ऑप्शन ए करेक्ट है, नरेंद्र मोदी पहले पे, जोको विडोडो दूसरे पे, बराक ओबामा तीसरे पे, डोनाल्ड ट्रंप चौथे पे। नरेंद्र मोदी के 2-3 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर है, तो ये पहले व्यक्ति हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मान्यवर कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये बनाया रणवीर सिंह ने, इनसे पहले थे कार्तिक आर्यन, अब बनाया रणवीर सिंह को मान्यवर कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर, तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। और जितने भी ब्रांड एम्बेसडर हैं उनका अलग से वीडियो बनाए गए हैं, उस वीडियो को जरूर देख ले, सारे ब्रांड एम्बेसडर हैं उनमें 2019 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बुकर पुरस्कार 2019 का विजेता किसे घोषित किया गया है? तो ये दोनों को घोषित किया गया है, बर्नार्डिन एवरिस्टो और मार्गरेट एटवुड, ऑप्शन ए और बी करेक्ट है, उपयुक्त सी। इसमें बर्नार्डिन एवरिस्टो, इनकी बुक है गर्ल वुमेन एंड अदर, और मार्गरेट एटवुड, इनकी बुक है द टेस्टामेंट्स। उसके अलावा बर्नार्डिन एवरिस्टो, ये अश्वेत महिलाएं बुकर पुरस्कार पाने वाली, और पहली बार ये बुकर पुरस्कार दिया गया है दो व्यक्तियों को, मेन बुकर पुरस्कार दो व्यक्तियों को दिया गया है पहली बार। उसके अलावा मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइज किसे दिया गया है 2019 को? तो ये दिया गया है जोका अलार्थी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये इंपॉर्टेंट है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है प्रियदर्शन को, ऑप्शन बी करेक्ट है, प्रियदर्शन को सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अब ये इंपॉर्टेंट, बाकी अक्टूबर मंथ के जितने ये इंपॉर्टेंट डे रह गए थे उनका है ये वीडियो, अलग से क्वेश्चन है ये जितने भी रह गए थे। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाए गए हैं? तो ये मनाए गए हैं, ऑप्शन में मिस प्रिंट है यहाँ पे, तो 24 अक्टूबर को मनाए गए हैं संयुक्त राष्ट्र दिवस, तो ध्यान रखना है, ऑप्शन को देखना नहीं है, यहाँ ऑप्शन में मिस हो गए हैं ये ऑप्शन, 24 अक्टूबर को मनाए गए हैं संयुक्त राष्ट्र दिवस। उसके अलावा 24 अक्टूबर को एक और दिवस है, विश्व विकास सूचना दिवस, तो दोनों याद रखना है, और संयुक्त राष्ट्र दिवस ये तो इंपॉर्टेंट ही है, ये 24 अक्टूबर को है दोनों। उसके अलावा 15 अक्टूबर को दो इंपॉर्टेंट दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस और विश्व छात्र दिवस APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन को, तो इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है APJ अब्दुल कलाम को, तो इनके जन्मदिन को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, और 25 अक्टूबर को धनतेरस के दिन मनाया जाता है ये राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, तो धनतेरस के दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस यानी नेशनल आयुर्वेदा डे। और उसके अलावा 31 अक्टूबर को मनाया जाता है एकता दिवस,
तो ये किसके जन्मदिन के मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को मनाया जाता है एकता, राष्ट्रीय एकता दिवस। तो ये 31 अक्टूबर को, तो ये सारे दिवस रिवाइज कर दिए इस मंथ के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया है 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2019 जैपनीज ग्रांड प्री किसने जीती है? तो ये जीती है वाल्टेरी बोटास ने, ऑप्शन सी करेक्ट है। और ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ये इस साल की 17वीं ग्रांड प्री है इस साल की, तो ध्यान रखना है। तो एक बार रिवाइज कर ही देते हैं लास्ट में। तो अगर आपने डेली करंट अफेयर का वीडियो देखा होगा तो उसमें सारी ग्रांड प्री बताई गई है, उसके अलावा इसका अलग से वीडियो भी है, तो उस वीडियो को जरूर देख लें, नहीं तो वीडियो इसमें लंबा खिंच जाएगा, इसलिए एक बार करा देते हैं रिवीजन। सबसे पहले हुई थी ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्री, ये जीती थी वाल्टेरी बोटास ने। दूसरी हुई थी बहरीन ग्रांड प्री, लुइस हैमिल्टन ने जीती। तीसरी चाइनीज ग्रांड प्री, ये भी लुइस हैमिल्टन ने जीती। चौथी हुई थी अजरबैजान ग्रांड प्री, ये जीती थी वाल्टेरी बोटास ने। पांचवी हुई थी स्पेनिश ग्रांड प्री, ये जीती थी लुइस हैमिल्टन ने। छठी हुई थी मोनेको ग्रांड प्री, ये भी लुइस हैमिल्टन ने जीती थी। सातवीं हुई थी कनाडियाई ग्रांड प्री, ये भी लुइस हैमिल्टन ने जीती थी। आठवीं हुई थी फ्रांस ग्रांड प्री, ये भी जीती थी लुइस हैमिल्टन ने। नवी हुई थी ऑस्ट्रियाई ग्रांड प्री, ये जीती थी मैक्स वर्स्टापन ने, इनकी कंपनी है रेडबुल। उसके अलावा दसवीं हुई थी ब्रिटेन ग्रांड प्री, ये जीती थी लुइस हैमिल्टन ने। ग्यारहवीं हुई थी जर्मन ग्रांड प्री, ये जीती थी मैक्स वर्स्टापन ने। और बारहवीं हुई थी हंगेरियन ग्रांड प्री, ये जीती थी लुइस हैमिल्टन ने। तेरहवीं हुई थी बेल्जियम ग्रांड प्री, ये जीती थी चार्ल्स लेक्लेयर ने। चौदहवीं हुई थी इटालियन ग्रांड प्री, ये भी चार्ल्स लेक्लेयर ने जीती थी। चार्ल्स लेक्लेयर ये फरारी के ड्राइवर है, चार्ल्स लेक्लेयर। और पंद्रहवीं हुई थी सिंगापुर ग्रांड प्री, ये जीती थी सेबेस्टियन वेटल, ये भी फरारी के ड्राइवर है। छठी सोलहवीं हुई थी रूसी ग्रांड प्री, ये जीती थी लुइस हैमिल्टन ने। अब सत्रहवीं हुई थी इस साल की, सत्रहवीं जीती वाल्टेरी बोटास ने। तो सारी ग्रांड प्री याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इनकी कंपनी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी 2019 ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी वैश्विक ग्लोबल सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? जिसमें रहा है भारत 102 पे, यानी कि किस देश में ज़्यादा भूख मरी है? तो भारत है 102वें स्थान पर। टोटल 117 देशों का इंडेक्स है जिसमें भारत रहा है 102वें स्थान पर। और पाकिस्तान की स्थिति भारत से सही है, पाकिस्तान रहा है 94 पे। भारत का हंगर स्कोर है 30.3, और इसमें कोई भी देश शीर्ष पर नहीं है। टोटल 17 देश शामिल है जिनके हंगर स्कोर 5 से कम है। तो सिर्फ पे कोई सा भी देश नहीं है इसमें, 102 पे भारत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली नेत्रहीन आईएएस अधिकारी प्रांजल सिंह को कहाँ का उपजिला अधिकारी बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए तिरुवनंतपुरम का, ऑप्शन बी करेक्ट है तिरुवनंतपुरम। तो ये भारत की पहली नेत्रहीन आईएएस है प्रांजल सिंह, ये महाराष्ट्र के उल्लासनगर की है। तो ये तिरुवनंतपुरम के उपजिला कलेक्टर बनी है, उपजिलाधिकारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाल ही में सिरोही लीली महोत्सव 2019 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है मणिपुर में, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसका उद्घाटन किया है प्रहलाद सिंह पटेल ने, तो केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री है, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है मणिपुर में, सिरोही लीली महोत्सव 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी 2019 वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर आया? तो भारत इसमें रहा है 82 नंबर पे, और पहले पे यूएसए यानी अमेरिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाल ही में भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। और जम्मू कश्मीर में NH 44 पर, यह नेशनल हाईवे 44 पर है, ये भारत की सबसे लंबी सुरंग, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा जाएगा इस सुरंग का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक दिवसीय क्रिकेट में डबल सेंचुरी लगाने वाले विश्व के सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बने यशस्वी जायसवाल, ऑप्शन बी करेक्ट है, यही है यशस्वी जायसवाल, ऑप्शन बी करेक्ट है। 154 गेंदों पर इन्होंने 203 रन बनाए विजयदारे ट्रॉफी में, और विजयदारे ट्रॉफी जीते हैं अभी, किसने जीते हैं? तो कर्नाटक ने तमिलनाडु को हराकर जीता है। अगले क्वेश्चन में बताएंगे इसको, विजयदारे ट्रॉफी के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छठवा गोल्डन शो अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है लियोनल मेसी ने, तो ये फुटबॉलर है, बार्सिलोना के प्लेयर है लियोनल मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व के पहले AI विश्वविद्यालय की घोषणा की है? तो ये की है UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाल ही में किस देश की फुटबॉल टीम ने सेफ अंडर 15 महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये जीता है भारत ने बांग्लादेश को हराकर, सेफ के फुटबॉल में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, तो भारत ने बांग्लादेश को हराकर जीता है ये खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के भारत नवाचार सूचकांक 2019 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहा है कर्नाटक, ऑप्शन बी करेक्ट है, कर्नाटक पहले पर आए, महाराष्ट्र दूसरे पे, तीसरे पे तेलंगाना।
और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली टॉप पर है, कर्नाटक है पहले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निजी शैक्षणिक क्षेत्र में मातृत्व लाभ प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बनाए केरल, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष कौन बने? तो ये बने सज्जन जिंदल, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो सज्जन जिंदल बने वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इसका हेड क्वार्टर है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का ब्रुसेल्स, बेल्जियम में ब्रुसेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने? तो ये बने अनूप कुमार सिंह, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो अनूप कुमार सिंह बने एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के ये महानिदेशक बने अनूप कुमार सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में 2022 में होने वाली इंटरपोल महासभा की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा अपना देश भारत। तो ये 91वीं इंटरपोल की महासभा होगी 2022 में, इसकी मेजबानी भारत करेगा। और इस साल चिली ने इसकी मेजबानी की है, इससे पहले भारत ने 1997 में इंटरपोल की महासभा की मेजबानी की है, इस साल चिली ने की है। ये मेजबानी अब 2022 में करेगा भारत। इंटरपोल की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो भारत करेगा इसकी 91वीं इंटरपोल की महासभा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में किस राज्य की विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है? तो ये समाप्त कर दिया गया है अभी जम्मू कश्मीर की विधान परिषद को अभी समाप्त कर दिया गया है। धारा 317 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की जो विधान परिषद है जम्मू कश्मीर में उसको अब समाप्त कर दिया गया है। अब भारत में टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद रह गई है। अब वो 6 राज्य कौन कौन से हैं, रिवाइज करते हैं उनका। पहला है बिहार, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक, चौथा उत्तर प्रदेश, पांचवा आंध्र प्रदेश, छठा तेलंगाना और सातवां था जम्मू कश्मीर। अब बट गए हैं, अब 6 राज्यों में विधान परिषद है भारत के। तो ये बट गए हैं जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो अब जम्मू कश्मीर की विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम द चैंपियंस लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है विश्वनाथन आनंद ने। तो ये चेस के प्लेयर है, इन्होंने ये बुक लिखी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईबीबीआई के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अभी सुधाकर शुक्ला को, ऑप्शन डी करेक्ट है। ये 1985 बैच के आईईएस यानी इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विस है, आईबीबीआई की फुल फॉर्म है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वाधिक प्रतिष्ठित वरिष्ठ नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है के पारासन को, ऑप्शन डी करेक्ट है। और उपराष्ट्रपति ने इनको सम्मानित किया है एम वेंकैया नायडू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में नौसेना अभ्यास IMNEX 2019 आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा भारत और म्यांमार के बीच में। अब इसके नाम से पता चल रहा है इस अभ्यास का, आई मिस इंडिया, एम मिस म्यांमार, एन मिस नेवी एक्सरसाइज यानी इंडिया म्यांमार नेवी एक्सरसाइज। तो ये नौसेना का अभ्यास है, तो भारत और म्यांमार के बीच में आयोजित होगा और विशाखापट्टनम में होगा ये आयोजित आंध्र प्रदेश के। तो जितने भी जो युद्ध अभ्यास हैं उनका भी अलग से वीडियो है, तो उनको भी जरूर देख ले उस वीडियो को, उसमें सारे युद्ध अभ्यास हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में ब्रिजिटल नेशन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है एन चंद्रशेखरन और रूपा पुरुषोत्तम, ऑप्शन सी करेक्ट है। दोनों लेखक है इसके, और इसका विमोचन किया है नरेंद्र मोदी ने। तो दोनों का नाम याद रखना है, एन चंद्रशेखरन, रूपा पुरुषोत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुल्तान जौहर कप हॉकी टूर्नामेंट 2019 का विजेता कौन बनाया? तो ये बनाए ग्रेट ब्रिटेन, और इन्होंने भारत को हराया है और ग्रेट ब्रिटेन बनाए विजेता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये टूर्नामेंट मलेशिया में हुआ है, ये सुल्तान जौहर कप हॉकी टूर्नामेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब यानी MCC का मानद आजीवन सदस्य किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी ग्रिम स्मिथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपियन ओपन 2019 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है एंडी मरे ने, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में INCRB की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराध में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर रहा है इसमें उत्तर प्रदेश, तो ऑप्शन सी करेक्ट है।
तो महिलाओं के विरुद्ध अपराध में उत्तर प्रदेश शीर्ष में है, और दंगों के मामले में बिहार, तो उत्तर प्रदेश है महिलाओं के विरुद्ध अपराध में पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे पश्चिम बंगाल, और दंगों की बात करें तो बिहार है। अभी ये NCRB की फुल फॉर्म है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, तो इन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है। तो उत्तर प्रदेश टॉप पे महिलाओं के विरुद्ध अपराध में और बिहार टॉप पे दंगों के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 65वें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? ये बने रौनक साधवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2 से अधिक बच्चों वालों को सरकारी नौकरी ना देने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है असम गवर्नमेंट ने, और 2021 से ये 1 जनवरी 2019 से ये लागू हो जाएगा। तो असम गवर्नमेंट ने ये लागू किए हैं, जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं उनको सरकारी नौकरी ना देने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UIDAI के नए CEO कौन बने थे? ये बने पंकज कुमार, ऑप्शन सी करेक्ट है। UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसके नए CEO यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने पंकज कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7वीं वीवो प्रो कबड्डी लीग किसने जीती है? तो ये जीती है बंगाल वॉरियर्स ने, दबंग दिल्ली को हराकर जीती है 7वीं वीवो प्रो कबड्डी लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 ओलंपिक खेलों का लोगो कहां लॉन्च किया गया है? तो ये लोगो लॉन्च किया गया है फ्रांस की कैपिटल पेरिस में, ऑप्शन ए करेक्ट है। 2024 में समर ओलंपिक होंगे, तो इसके लोगो का लॉन्च किया गया है पेरिस में, और 2020 का समर ओलंपिक होगा टोक्यो में, और 2022 का विंटर ओलंपिक होगा वो होगा बीजिंग में, चाइना की कैपिटल बीजिंग में। तो ये 2024 का समर ओलंपिक पेरिस में होगा, तो इसी के लोगों को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की लक्ष्मी का ब्रांड अम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है पीवी सिंधु और दीपिका पादुकोण को, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो भारत की लक्ष्मी ये पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई एक पहले भारत की लक्ष्मी, इसी के ब्रांड अम्बेसडर बने पीवी सिंधु और दीपिका पादुकोण। जितने भी जो ब्रांड अम्बेसडर हैं उनका अलग से वीडियो है, तो उस वीडियो को भी जरूर देख लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाल ही में मोहन बागान एथलेटिक क्लब का आजीवन सदस्य किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अभिजीत बैनर्जी को, ऑप्शन बी करेक्ट है। और इनको अभी अर्थशास्त्र का 2019 का नोबेल प्राइज भी मिला था अभिजीत बैनर्जी को, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो इन्हीं को चुना गया है मोहन बागान एथलेट क्लब का आजीवन सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत रहा है 63वें स्थान पर, भारत ने 14 अंकों की छलांग लगाकर 63वें स्थान पर आए भारत। इससे पहले 77 नंबर पे था, इससे पहले इंडिया, इससे पहले 100वें नंबर पर था, 100 से लास्ट ईयर 77 पे, उसके बाद आया 63वें नंबर पर, यानी कि कौन सा देश बिजनेस के मामले में आसान है? तो भारत की रैंकिंग है 63वीं रैंकिंग, ऑप्शन ए करेक्ट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, तो इसमें पहले पे कौन रहा है? 190 देशों का ये इंडेक्स है, तो इसमें भारत है 63 पे, लास्ट में रहा है इसमें सोमालिया, पहले पे है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अभी अरविंद सिंह को, ऑप्शन भी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो ये शुभारंभ किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन बने? तो ये पहले उपराज्यपाल बने गिरीश चंद्र मुर्मू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, अब केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, इस वजह से अब जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बने गिरीश चंद्र मुर्मू। किसी भी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें उपराज्यपाल होते हैं और राज्यों में राज्यपाल होते हैं। और आर के माथुर बने लद्दाख के पहले उपराज्यपाल। उसके अलावा सत्यपाल मलिक ये जम्मू कश्मीर के पहले राज्यपाल थे, भैया गोवा के राज्यपाल बन गए। उसके अलावा PS श्रीधरन पिल्लई ये बने मिजोरम के राज्यपाल। तो गिरीश चंद्र मुर्मू ये इंपॉर्टेंट है, तो ये जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल हैं और लद्दाख के पहले उपराज्यपाल बने आर के माथुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? तो ये बने बिल गेट्स, ऑप्शन ए करेक्ट है। इन्होंने जेफ बेजोस को पीछे छोड़ा है बिल गेट्स ने, तो अमेजोन के संस्थापक थे जेफ बेजोस, तो ये अब दूसरे नंबर पे आ गए अमेजोन के संस्थापक। अब बिल गेट्स आ गए पहले पे, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है बिल गेट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर,
हाल में विजयदारे ट्रॉफी किसने जीती है? अभी बताया था, यह जीती है कर्नाटक ने तमिलनाडु को हरा कर। कर्नाटक विजेता है विजयदारे ट्रॉफी का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है? तो ये क्या है? उड़ीसा गवर्नमेंट ने, यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कृषि अपशिष्ट से जैव ईंट विकसित किए हैं? तो ये किए आईआईटी हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर के स्कूल में सबसे अधिक संख्या वाला दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल बनकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता है? तो ये जीता है लखनऊ ने, ऑप्शन बी करेक्ट है। लखनऊ के, लखनऊ में इसमें टोटल 55,547 स्टूडेंट रजिस्टर हैं, इसी के साथ इन्होंने जीता है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोफी विल्म किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी है बेल्जियम की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है सोफी विल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैक्सिकन ग्रांड प्री किसने जीती है? तो ये जीती है लुइस हैमिल्टन ने, और ये इस साल की 18वीं ग्रांड प्री है जिसमें 18 में से 10 जीती है लुइस हैमिल्टन ने। ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। उसके अलावा वाल्टेरी बोटास ने जीती है 3, मैक्स वर्स्टापन ने जीती है 2, चार्ल्स लेक्लेयर ने जीती है 2, सेबेस्टियन वेटल ने जीती है 1। तो लुइस हैमिल्टन ने जीती है, और अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था 17 के 17 ग्रांड प्री, ये 18वीं है। और जितने भी जो ग्रांड प्री है इसका अलग से वीडियो है 2019 की सारी ग्रांड प्री का, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो लुइस हैमिल्टन ये करेक्ट आंसर है इसका, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने विजडन इंडिया अलमने क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो ये जीता है जसप्रीत बुमराह ने, ऑप्शन ए करेक्ट है जसप्रीत बुमराह। इसके अलावा भारत की महिला क्रिकेट की खिलाड़ी है स्मृति मंधाना, तो इन दोनों को, ये तो दो भारतीय खिलाड़ी हैं जिनको ये अवार्ड दिए गए हैं, जसप्रीत बुमराह और दूसरी है स्मृति मंधाना। उसके अलावा 5 को दिया गया है, तो 2 तो ये है, तीसरे हैं फकर जमान पाकिस्तान के, चौथे हैं दिमुत करुणारत्ने ये श्रीलंका के, 5वें राशिद खान अफगानिस्तान के। तो इन 5 को विजडन इंडिया अलम ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। इसमें 2 भारतीय हैं जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय अभ्यास शक्ति आयोजित किया जाएगा? तो ये भारत और फ्रांस के बीच में ये अभ्यास शक्ति, तो इसका आयोजन 31 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच आयोजित किया जाएगा राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। ऑप्शन ए करेक्ट है शक्ति, ये अभ्यास का नाम ध्यान रखना है। और भारत और फ्रांस के बीच में वरुण अभ्यास भी होता है, और जितने भी ये युद्ध अभ्यास है इनका अलग से वीडियो है, तो ये युद्ध अभ्यास वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका अलग से वीडियो बनाए गए हैं, उस वीडियो को जरूर देख लें, ब्रांड एम्बेसडर इंडेक्स सभी वीडियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राइजिंग हिमाचल ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2019 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं यामी गौतम को, ऑप्शन ए करेक्ट है। और ये ब्रांड एम्बेसडर का भी अलग से वीडियो है, तो उसको भी जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कुकुर तिहार महोत्सव शुरू हुआ है? तो ये हुआ है नेपाल में। इसमें कुत्तों को फूल मालाओं से सजाया जाता है और उनके माथे पे तिलक किया जाता है। इसमें कुत्तों को मौत का देवता माना जाता है नेपाल में, इसलिए मौत के देवता को राजी करने के लिए ये कुत्तों को फूल मालाओं से और तिलक लगा के सजाया जाता है इसमें कुत्तों को। तो ध्यान, ऑप्शन सी करेक्ट है, कुकुर तिहार महोत्सव, तो ये नेपाल में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी पॉइंट ऑफ व्यू से, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने हवा से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालने की नई तकनीक विकसित की है? तो ये किए MIT यूनिवर्सिटी यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने, जो हवा होती है उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालने की नई तकनीक विकसित की है। अब इसमें होगा क्या, होता क्या है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो CO2 ग्रहण करते हैं, जबकि CO2 ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, उसके विपरीत मनुष्य जो ह्यूमन बींग है वो ऑक्सीजन ग्रहण करता है और CO2 निकालता है। तो इसमें पर्यावरण के अंदर आजकल पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, तो पर्यावरण के अंदर CO2 की मात्रा ज़्यादा हो गई है, इम्बेलेंस हो गई है, इस वजह से हवा से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने की नई तकनीक विकसित की है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने। तो मनुष्य द्वारा ज़्यादा CO2 निकालने की वजह से ये विकसित की है इन्होंने विश्वविद्यालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सार्वजनिक बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सवारी की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है दिल्ली गवर्नमेंट ने, ऑप्शन डी करेक्ट है। दिल्ली गवर्नमेंट ने सार्वजनिक बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सवारी की घोषणा की है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसका, अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HBR यानी हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की वर्ल्ड टॉप 10 CEO की लिस्ट में कौन शीर्ष पर आए? तो इसमें शीर्ष पर आए हैंसिंग हुआंग, तो अमेरिका की ग्राफिक कंपनी NVIDIA इसके ये CEO है, तो ये पहले नंबर पे है।
और तीन, ये तीनों भारतीय मूल के हैं इसमें, तो इसमें शांतनु नारायण ये एडोब के सीईओ हैं, तो ये हैं छठे नंबर के, अजय पाल सिंह बंगा ये मास्टर कार्ड के सीईओ हैं, ये सातवें नंबर पे सत्य नडेला हैं माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, ये नवे नंबर पे हैं इसमें, तो ये तीनों भारतीय मूल के, ध्यान रखना है एडोब रीडर जिसके थ्रू पीडीएफ को ओपन करते हैं उसके सीईओ है शांतनु नारायण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाल ही में भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े को, ये 18 नवंबर से भारत के 47वें न्यायाधीश बनेंगे, अभी वर्तमान में न्यायाधीश हैं रंजन गोगोई, ये 46वें न्यायाधीश हैं, अब ये रिटायर्ड हो जाएंगे 16 नवंबर को, उसके बाद 18 को बनेंगे अरविंद बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े, और भारत के सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे हीरालाल जी कानिया, इनका नाम याद रखना है, और दीपक मिश्रा थे 45वें चीफ जस्टिस, अब ये 47वें बनेंगे जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के पर्वतारोही निर्मल पूर्जा ने दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो ये बनाए नेपाल के, ये हैं निर्मल पूर्जा, इन्होंने विश्व के 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र का पहला कॉमन फाउंडेशन कोर्स आरंभ कहां शुरू हुआ है, तो ये शुरू हुआ है गुजरात में, गुजरात में जो स्टेचू ऑफ यूनिटी है वहां पे शुरू हुआ है केंद्र का पहला कॉमन फाउंडेशन कोर्स आरंभ। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसमें हाल ही में आईसीसी ने किस खिलाड़ी पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये लगाया है पाकिस्तान के ऑलराउंडर साकिब अल हसन पर लगा दिया है, इन्होंने जो सट्टेबाज है उनके साथ संपर्क स्थापित किया है, संपर्क रखने की वजह से ये जुर्माना लगा दिया है साकिब अल हसन पर, ऑप्शन है करेक्ट है, आईसीसी ने अभी ये जुर्माना लगाया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अभी। अब देखते हैं इस वीडियो का क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हाल ही में 2800 व्यास सम्मान 2018 किसे दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें किसी भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल का नाम है टेक्निकल बॉय मानसिंह मीना, और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद ही पीडीएफ को डाउनलोड करें, और अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या अपनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप शेयर कर सकते हो। अगर आप डेली करंट अफेयर के वीडियो देखना चाहते हैं तो डेली करंट अफेयर के वीडियो भी जरूर देखें डेली मॉर्निंग में, अगर आपने डेली मॉर्निंग के सारे वीडियो देखे होंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको पता होंगे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है आने वाले एग्जाम्स में करंट अफेयर की दृष्टि से, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मंथली करंट अफेयर के लिए सारे मंथ की करंट अफेयर प्रोवाइड की गई है जनवरी से लेकर अब तक की, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विद यू, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तो ये चैनल बहुत हेल्पफुल है आने वाले एग्जाम्स में करंट अफेयर के लिए।